हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.6। 3.5 तक हमने पढ़ा, तीन मेथड पढ़ चुके हैं हम, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूस किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना, रिड्यूस करना किसी चीज़ को। फर्स्ट है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में देख लेते हैं कि क्या कॉमन है हमारे पास। यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो हम लेट कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू क्यू। इसको हम मान के चल पड़े। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/x की जगह हम क्या लिख देंगे, p, और 1/2 है एज इट इज़ 2 आ जाएगा। इसी तरह 1/y की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, और साथ में क्या 1/3, तो क्या हो जाएगा क्यू 3 इज इक्वल टू हमारे पास किसके है 2 के। इसी तरह अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 6 को हम इधर लेके आएंगे तो 6 2 जा 12। अब नीचे 6 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 3p, और इन दोनों की क्या आ जाएगी 2 क्यू इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम इधर ले आए, क्या आ गया 3p माइनस 2 क्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है सेकंड, हमारे पास क्या है 1/3x है। 1/x को हम क्या लिख लेंगे p, और साथ में क्या लगा देंगे 3, तो p बाई 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू 2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 6 को इधर लेके आएंगे, 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 2p प्लस 3 क्यू, और इधर प्लस 13 है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर देंगे। हमारी चॉइस, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, हमें जो भी स्टेबल मेथड लगे उसी से हम कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास है, हम इसको कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3p माइनस 2 क्या हो, इसमें क्या है 2p प्लस 3 क्या हो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 9p माइनस 3 2 जा प्लस है बीच में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 क्यू इज इक्वल टू, में हमने क्या रख दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, 3 जा 36 क्या आ जाएगा 36। फिर सेकंड की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 जा 4p प्लस 2 3 जा 6 क्यू इज इक्वल टू 2 की और 13 की मल्टीप्लाई 26 आ जाएगी। साइन सेम है इसलिए हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। 9p में से 4p माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5p इज इक्वल टू 36 में से 26 माइनस करेंगे, क्या आएगा इधर से हमारे पास 10p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10/2। 2 से कैंसिल कर दिया, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। अब ये मेथड किया था हमने, इससे भी हमारे पास पी की वैल्यू क्या आई थी 2, और इससे भी हमारे पास पी की वैल्यू क्या आई 2। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे 3p की वैल्यू हमारे पास 2 आई माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 12। 3 2 जा 6 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस है भाई, इसमें प्लस यहाँ भी क्या आएगा प्लस, और ये भी क्या है प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस है। तो हम क्या करेंगे 2 क्यू इज इक्वल टू 12 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा 6 क्यू इज इक्वल टू 6/2 क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, ये भी आपके पास 3 आई थी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू हम पी और क्यू हमने क्या मान रखा है, पी हमने मान रखा है 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या निकाल दी हमने 2, तो ये वापस रिप्लेस करेंगे 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाई में 1 लगा देंगे, x की और 2x की मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 1, 2 को उधर लेके आएंगे 1/2। इसी तरह हमारे पास 1/y इज इक्वल टू क्या था, तो 1/y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, वैल्यू
अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वाई का क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वन बाई वाई का वाई हो जाएगा, थ्री बाई वन का वन बाई थ्री आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास टू बाई रूट एक्स प्लस थ्री बाई रूट वाई इज इक्वल टू टू, फोर बाई रूट एक्स माइनस नाइन बाई रूट वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, वन बाई रूट एक्स यहाँ भी और यहाँ भी, इसी तरह वन बाई रूट वाई यहाँ भी क्या, वन बाई रूट वाई। तो पुट कर लेंगे हम वन बाई रूट एक्स इज इक्वल टू पी एंड वन बाई रूट वाई इज इक्वल टू क्यू। वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ वन बाई रूट एक्स पी कर लिया तो यहाँ ऊपर क्या है टू टू पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री क्यू इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा फोर पी माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड का नाम दे लेंगे। अब हमारी चॉइस थी, मैंने बताया था किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिक्स पी प्लस नाइन क्या इज इक्वल टू सिक्स। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, फोर पी प्लस नाइन क्या इज इक्वल टू माइनस वन और हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सिक्स पी प्लस नाइन क्या इज इक्वल टू सिक्स। अभी हमारे पास दोनों में प्लस हैं तो इसीलिए हम साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक माइनस है एक प्लस है, हाँ एक हमारे पास माइनस है और एक प्लस है, तो इसीलिए हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, सिक्स और फोर क्या आ जाएगा टेन पी और सिक्स में से वन माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा फाइव, पी इज इक्वल टू टेन को इधर लेके आएंगे फाइव बाई टेन, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, पी की वैल्यू आ गई आपके पास वन बाई टू। पी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है टू और पी की वैल्यू क्या रख दी वन बाई टू प्लस थ्री क्या इज इक्वल टू टू, थ्री क्या एज इट इज़ इधर टू है, टू से टू कैंसिल हो गया वन आ गया, वन को इधर लेके आएंगे माइनस वन हो जाएगा, तो टू में से वन जाएगा आपके पास वन, क्यू की वैल्यू आ जाएगी वन बाई थ्री। अब हमने पी और क्यू क्या पुट कर रखा था, पी इज इक्वल टू वन बाई रूट एक्स था, तो हम ये किसकी वैल्यू अभी वन बाई रूट एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू टू, फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स और टू का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास से फोर। इसी तरह इसके अंदर करेंगे वन बाई रूट वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या आया रूट वाई इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री का स्केयर क्या आएगा नाइन, ये हमारे पास दोनों एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है फोर बाई एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर्टीन, थ्री बाई एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री। अब हमें एक को रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ओनली वन बाई एक्स को हम पुट करके चलेंगे, सब्सटीट्यूट वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी इन गिवन इक्वेशन, इन इक्वेशन में वन बाई एक्स की जगह हमने पी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी फोर पी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर्टीन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी थ्री पी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री आ जाएगी हमारे पास। दोनों इक्वेशंस में फोर्टीन अपोजिट साइड था इधर लेके आएंगे माइनस फोर्टीन, इसी तरह माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास पी और क्या पी की वैल्यू आ जाएगी, वाई की एज इट इज़ आ जाएगी बट पी की वैल्यू है, उसको हम क्या रख देंगे वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी और हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन बाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू, ये इक्वेशन दी हुई है एंड सिक्स बाई एक्स माइनस वन माइनस थ्री बाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब एक्स की जगह हमारे पास क्या है सब्सटीट्यूट करने के लिए, पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इसको, वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पी एंड वन बाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू क्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी फाइव पी प्लस क्यू इज इक्वल टू टू आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी सिक्स पी माइनस थ्री क्या इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा कोफिशियंट थ्री हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारे पास, इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया थ्री फाइव जा फिफ्टीन पी प्लस थ्री वन जा थ्री क्या प्लस थ्री टू इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स। अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है सिक्स पी माइनस थ्री क्या इज इक्वल टू वन, थर्ड इक्वेशन है फिफ्टीन पी प्लस थ्री क्या इज इक्वल टू सिक्स, एक प्लस से एक माइनस है नेगलेक्ट हो जाएगा, फिफ्टीन और सिक्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी
वन पी इज इक्वल टू सिक्स और वन सेवन, पी इज इक्वल टू सेवन एज इट इज रहेगा, 21 किसके डिवाइड में लेके आएंगे, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 इज इक्वल टू में आपके पास आएगा 1/3, पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3। अब इस इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देंगे हम, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 6p-3 क्या इज इक्वल टू 1/6, पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/3-3 क्या इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 है इसको इधर लेके आएंगे -2 हो जाएगा, यहाँ क्या है -3 क्या इज इक्वल टू 1-2, 1-2 क्या आ जाएगा -1, -1 से माइनस कैंसिल, क्या इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे 1/3। अब हम किसको पुट करके चले थे, 1/x-1 इज इक्वल टू पी था, पी की वैल्यू क्या आई 1/3, फिर वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई x-1 हो जाएगी इज इक्वल टू 3 1 जा 3। अब -1 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। नेक्स्ट है क्या वो इज इक्वल टू, क्या वो हमारे पास क्या है 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसी तरह से हम इसको कर देंगे y-2 हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगी y-2, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी 3, -2 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट है फिफ्थ, 7x-2y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको सेपरेट करेंगे, एक बार फर्स्ट के नीचे ले लेंगे एक बार सेकंड के नीचे, 7x/xy माइनस बीच में ले लिया एंड 2y/xy, यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 7y माइनस, यहाँ y से y कैंसिल हो गया क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड है वो हमें दी हुई है 8y प्लस 7x इज इक्वल टू 15। अब हम वही पुट कर लेंगे 1y को और 1x को पुट कर लेंगे, पुट करके दोनों की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पुट कर दिया 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/y इज इक्वल टू क्या हु? हमारे पास क्या आ जाएगा -2p+7 क्या हु? इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इधर ले आएंगे -2p+7 क्या हु? -5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7p+8 क्या हु? इज इक्वल टू 15। इस प्लस को इधर लेके आएंगे 7p+8 क्या हु? -15 इज इक्वल टू 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब पी हमारे पास क्या था 1/x तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 1। इसी तरह क्या भी हमारे पास क्या आ गया 1/y, ये भी हमारे पास क्या है 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 1। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सेम है जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये है, 6x+3y इज इक्वल टू 6xy। अब डिवाइडिंग बोथ साइड वाइज xy, पूरे को हम xy से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड में xy आ जाएगा, इधर भी डिवाइड में क्या आएगा xy, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6। इसको हम फिर से सेपरेट करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 6y प्लस इसको जब लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 6। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसको करेंगे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसके डिवाइड में एक्स वाई हो जाएगा तो वाई से वाई कैंसिल क्या बचेगा 4x बचेगा, इसके डिवाइड में भी क्या आएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल 2y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब दोनों में हम क्या पुट कर लेंगे, दोनों में 1x और दोनों में 1y है तो वही पुट कर लेंगे, पुट 1x इज इक्वल टू पी एंड 1y इज इक्वल टू क्यू, 1x की जगह हम पी पुट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3p+6q-6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इक्वेशन 1x को पी पुट कर रखा है तो क्या हो जाएगा 3p+6q-6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4p+2q-5 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व कर लेंगे एंड लास्ट में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है 7th और 8th दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। अब देखेंगे हमें डबल सॉल्व करना है इसके अंदर, कैसे करना है
टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। अभी तक हमें एक्स दे रखा था बाई में, एक्स दे रखा था बाई में, वाई दे रखा था, लेकिन अब हमें दोनों इकट्ठे दे रखे कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पुट कर लिया हमने दोनों में वन बाई एक्स प्लस वाई है, इधर दोनों में वन बाई एक्स माइनस वाई है, तो दोनों में हमने सेम क्या देख लिया, वन बाई एक्स प्लस वाई को पी पुट कर लिया और इधर से वन बाई एक्स माइनस वाई को क्या पुट कर लिया। यहाँ से आएगा टेन पी प्लस टू क्या इज इक्वल टू फोर, फोर को इधर लेके आएंगे, टेन पी प्लस टू क्या माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, फिफ्टीन पी माइनस फाइव क्या इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू को इधर लेके आएंगे, प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी एंड क्या की वैल्यू आ जाएगी। पी हमारे पास क्या आया है, वन बाई फाइव। अब हम ऊपर ये देखते हैं कि हमने पी किसको पुट कर रखा है, वन बाई एक्स प्लस वाई, तो वन बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई फाइव कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई की वन के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी एज इट इज़, और फाइव वन जा फाइव। अब फिर से हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ एक की कर रहे थे, या तो एक्स की थी या वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास, लेकिन अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है। इसी तरह हम क्या की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, क्या इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वाई, और क्या की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। इसको हमने इक्वेशन थ्री नाम दे लिया, इक्वेशन फोर। सॉल्व करेंगे इक्वेशन थ्री और फोर को, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव और नीचे का एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स और फाइव और वन सिक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिक्स बाई टू, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, एक्स हमारे पास क्या आया, थ्री। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, थ्री में वैल्यू पुट कर दी हमने, तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हमने थ्री पुट कर दिया, थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू थ्री को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, टू। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, वन बाई टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई टू थ्री एक्स माइनस वाई माइनस वन बाई एट। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन पार्ट्स क्या है जिसको हम पुट कर सकते हैं, ये दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों में क्या आया, कॉमन पार्ट आ गया। इसी तरह इधर से क्या है, ये आ जाएगा आपके पास दोनों में कॉमन पार्ट, तो यहाँ से हम क्या पुट कर लेंगे, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई को पी पुट कर लेंगे और वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई को हमें क्या पुट कर लेंगे, और जैसे हमने ये सॉल्व किया है इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, पुटिंग वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी आ जाएगा एंड वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या पुट कर लिया, तो ऊपर से भी फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, पी प्लस क्या इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा, पी बाई टू माइनस क्या बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई एट। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा क्या बचेगा, पी माइनस क्या टू इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टू वन जा टू, टू फोर जा एट क्या बचेगा, माइनस वन बाई फोर। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पी प्लस क्या इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, पी माइनस क्या इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, ये क्या उसे क्या कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस पी टू पी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, फोर, थ्री माइनस वन, थ्री में से वन जाएगा क्या, टू, टू बाई फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर क्या आ गया, वन बाई टू। अब इधर टू भी था, टू को इधर लेके आएंगे, वन बाई टू पहले से, टू को इधर लेके आएंगे, डिवाइड आएगा टू और टू, फोर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई फोर। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई फोर। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, फिर हम इसको इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकेंड, पी माइनस क्या इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वन बाई फोर, माइनस क्या इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, क्या इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर है, इधर अगर हम लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्या इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, इसको भी इधर लेके आएंगे, माइनस वन बाई फोर। दोनों में से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस से माइनस से कैंसिल, तो इधर क्या आएगा, क्या इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर। अगर हम इसको प्लस करेंगे एन से हमने के तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन बाई टू। अब हमारे पास पी और क्या की वैल्यू आ गई, उसको हम वापस रिप्लेस करेंगे, पी हमारे पास क्या था, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, पी की वैल्यू आई वन बाई फोर,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इसी तरह क्या हुआ हमारे पास, क्या आया 1/2, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दो इक्वेशन आ गई। सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 4th है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई से वाई कैंसल, 3x 3x क्या आ जाएगा 6x, 4 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास से 1, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 3 में, 3 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, x की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस से y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, 3 को इधर लेके आएंगे 4 माइनस 3, वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ओके थैंक यू, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।